अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है रमज़ान का फोर्थ जुमा। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक। देखते देखते आप 20 रोज़े गुजर गए हैं, आज 22 रोज़ा है। पता ही नहीं चला कि रमज़ान कब आया और कब जा रहा है। तो आज हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं दही बड़े माश के प्लस बेसन के। दो किस्म के दही बड़े बनाएंगे आज हम। ये माश में 2 कप ले ली हूँ, उसे धो के भिगोने रख लेंगे 2 घंटे के लिए। यहाँ पे बेसन भिगा लेंगे। उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट जाते हैं मैं बताती हूँ आपको। नमक, हल्दी, मिर्च, दही। चलिए मैं आपको इसको बताती हूँ। चलिए मैंने बेसन भिगो लिया है। तो ये हल्दी, नमक और हल्दी मिर्च डाल के भिगो लिया है। ये हमारा रेडी हो गया बेसन। ये माश पीस ली हूँ मैं, पीस लेके इसे भी तैयार कर ली हूँ। थोड़ी हल्दी, मिर्च और नमक डाल के थोड़ी देर के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सोडा ऐड कर लेंगे, फिर इसे फ्राई करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए पहले माश के वड़े तल लेते हैं। इसको अच्छे से फेंट लेंगे एक ही डायरेक्शन में। इतना अच्छा फेंटेंगे उतने अच्छे ये फूलते हैं। एक ही डायरेक्शन में आप फेंटिए इसे। देखिए चलिए मैं आपको तल के बताती हूँ। तेल गर्म हो गया है। ये गोल्डन होने तक हम गोल्डन होने के आने से पलटेंगे। चलिए देख लेते हैं पलटा के। थोड़ा सा गोल्डन हो गया तो पलटा लेते हैं। भी केयरफुल करिए, आपका तेल भी उछल सकता है अपने हाथ बचा कर। दूसरी साइड भी ऐसे ही गोल्डन कर लेंगे। ये दोनों तरफ से गोल्डन हो गए हैं तो निकाल लेते हैं हम। गैस की फ्लेम कम कर देंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है इसका। फ्राई होने के बाद हम इसे ठंडे पानी में डालेंगे। ठंडे पानी में डालने से क्या है, बहुत फूले फूले दिखते हैं। डायरेक्ट दही में नहीं डालेंगे, थोड़ा पानी में डाल के थोड़ी देर रख लेंगे। तो चाहे माश के हो चाहे बेसन के हो, इसे तलने के बाद पानी में थोड़ी देर रख लेंगे ठंडे पानी में। इसके बाद दही में ऐड करेंगे। चलिए माश के ओड़ों का तैयार हो गया है भजिया, इसे साइड में रख लेते हैं। बेसन की भजियों की तेल में डालें। इसे भी गोल्डन फ्राई कर लेंगे। चलिए गोल्डन फ्राई होने के बाद दिखाती हूँ आपको। चलिए गोल्डन कलर के हो गए हैं बेसन के भजिए, इसे भी निकाल लेते हैं।
से भी निकालने के बाद में पानी में छोड़ लेंगे तो अच्छे से ये फूले फूले हो जाएंगे। इसे अब पानी में डालेंगे। चलिए फिर आपको मैं दिखाती हूँ दूसरा बैच। दही मैंने रेडी कर लिया है, एक वड़ों का, इसमें नमक मिला देते हैं, एक माश के वड़े का और एक बेसन का, इसमें अपने हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए आप। ये है माश के जो मैं भिगोली हूँ, उसे इसमें ऐड कर लेते हैं। आप भी ऐसे ही करिए, इसका अच्छा टेस्ट आता है, एकदम से सॉफ्ट रहते हैं खाने में। यह है माश के, इसको हम बाद में इस पर बगार लेंगे। चलिए माश के वड़े हैं, दही वड़े रेडी हैं, बेसन के जो मैंने भिगो ली थी, देख सकते हैं एकदम से नरम हो गए हैं, इसे भी इसमें दही में ऐड कर लेते हैं। अब पानी में भिगोने रख कर फिर दही में डालिए बाद में, इसके बाद हम इसे बगार लेते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका फूलने के बाद। चलिए मैं बगारने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है फ्राई पैन में, थोड़े से इसमें राई डालूँगी मैं, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा करी पत्ता। ये हमारे दही बड़े यहाँ पे बनके रेडी हो चुके हैं। ये है बेसन के दही बड़े और ये है माश के दही बड़े। मैंने दोनों इसलिए बनाई है कि मेरी छोटी लड़की को माश के बहुत पसंद है, बड़ी को बेसन के बहुत पसंद है, इसलिए दोनों को नाराज़ नहीं करी मैंने, दो भी किस्म के दही बड़े बना दिए। आप देखिए, आप भी बनाइए, खाइए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं दूसरी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।